नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हत्या का खुलासा नहीं होने से पीड़ित लगा रहा थाने का चक्कर। मिर्जापुर जनपद के कोतवाली ड्रमनगंज अंतर्गत ग्राम सभा नौगवा में करण बहादुर के द्वारा राजू निषाद की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। आपको बता दें कि मृतक को घर से बुलाकर ले जाने के लिए करण बहादुर आया था और बुलाकर ले गया। 7 जून 2023 बृहस्पतिवार सुबह के समय राजू निषाद को घर से ले गया, जबकि परिवार के किसी सदस्य को पता नहीं था। दिन भर उसे गायब किया था। करण बहादुर की बहन रेखा देवी ने बताया कि हमारे घर आए थे, शाम को शराब मुर्गा खाए, फिर साथ में दोनों चले गए। काफी समय बाद गलरा ग्राम प्रधान अरुण मिश्रा ने फोन करके बताया कि राजू निषाद को काफी चोट लगी है, वह रास्ते में गिरा पड़ा है, जिसे एम्बुलेंस द्वारा हलिया स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया है। खबर लगते ही राजू निषाद के परिवार वाले हलिया पहुंचे, हॉस्पिटल में देखे तो पता चला कि राजू निषाद को गंभीर चोट आई हुई थी। राजू निषाद गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेजा गया, जिससे ठीक नहीं हो पाए। फिर राजू निषाद की 14 जून को मौत हो गई। परिवार के लोगों ने प्रार्थना पत्र डमनगंज थाना पर दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां जाने पर एसएचओ द्वारा धमकी दी जाती है, बद्दी बद्दी गालियां दी जाती हैं। अभी तक राजू निषाद के परिजनों को न्याय नहीं मिला। परिजनों का कहना है कि राजू निषाद के हत्यारों को सजा दी जाए। राजू निषाद की पत्नी कौशल्या देवी ने ड्रमनगंज थाने पर प्रार्थना पत्र दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सत्यात्रा न्यूज़ राहुल सोनी की खास खबर, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? कौशल्या। कौशल्या, आपके पति का नाम? राजू। राजू, कौन भी आदर हैं आप? मल्ला। ये बताएं, क्या मामला है आपको? मामला हमारी बहन करण बहादुर घर से बुलाई के लगी है, कहीं चले सैर करा जाए, झूठ बोल के यहाँ से लगे, जान मार के फेंक दी। केकर जान मारे? हमारे पति के। का पति के नाम बा? राजू। राजू कौन भी आदर? मल्ला। मल्ला, कौन बुलाई के लगी हुआ तुम्हारे पति के? करण बहादुर। करण बहादुर कहाँ लगे हुआ? लगे रहे गलरा। गलरा, गलरा वहाँ मौत हुई की कहाँ जगह? गलरा। गलरा मौत हुआ? गलरा। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? नौगवा। नौगवा, आपने प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ दिया। कहाँ जगह पे दिया था? मिर्जापुर दिया था, थाने द्रामलगंज दिया था, लालगंज दिया था, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं रहा, हो रहा है जांच पे। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट होकर मरा, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको मारा गया है। ये प्रार्थना पत्र कहाँ दिए थे आप? रामनगर। अच्छा, ये प्रार्थना पत्र आपने डमनगंज दिया था? हाँ। सुनवाई हुआ कि नहीं इस पे? नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक वो फरार है कि घर पे है? अभी तक फरार है, वो घर पर नहीं है, गांव छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। क्यों, वो मारा अगर नहीं है, पुलिस अगर कह रही है कि वो मारा नहीं है, तो फरार क्यों है वो? पता नहीं क्यों फरार है, बोल रहा है कि हमने नहीं कुछ किया है, लेकिन तभी गांव का आदमी बुलाते हैं, आओ यहां बताओ, उसके ऊपर पंचायत किया जाए, बुलाओ, मारा है कि नहीं मारा है, कुछ बयान दे बोले, लेकिन वो आता नहीं गांव में, वो भागता है अपना परिवार लेके, ना जाने कहां भाग गया है। अच्छा, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? नहीं। अच्छा, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? नहीं, पुलिस उसके पीछे आ ही नहीं रही है, पैसा दे दिया है। पैसा दे दिया है? 1.5 लाख रुपया उसने दिया है, थाने पर दिया है। ये कैसे चला आपको पैसा मिला दिया? हमको पता चला है, तभी ना हम जाते हैं, जब जाते हैं द्रामलगंज थाने पर, तब हमको ये उसे डांट के बोलता है, उसके पक्ष से बोलता है। हां, उसके पक्ष बोलता है, कहता कुछ नहीं होगा, हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, गलरा का प्रधान बोलता है हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसी के सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब झूठ बोल रहे हैं, सब पैसा लेकर बैठ गए हैं। अच्छा, सब पैसा लेके खा? हाँ, सब पैसा लेके बढ़िया। अच्छा, और क्या चाहती हैं आप? हम चाहती हैं कि हमारे पति को सजा मिले। उचित न्याय। अच्छा, किसको सजा मिले? करण बहादुर को। करण बहादुर को।